لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم سيدنا محمد ولا بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. अजीज़ान ग्रामी मोहतरम सामईन नाज़रीन इकराम, आज की इस दर्स के लिए कुरान करीम का बहुत ही मशहूर और मारूफ छोटा सा सूरा जिसे सूरह वल असर कहा जाता है उसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें खुदावंद आलम असर की कसम खा के कह रहा है इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, सिवाय वो लोग जो ईमान ले आए और अमल साले किए और हक की वसीयत की है और सब्र की वसीयत की है। मैंने इस सूरह मुबारक की तिलावत इस वजह से की क्योंकि आज हमें शबे ईद उल फितर के आमाल को बताना है। रमज़ान मुबारक ये ख़त्म हो जाने के बाद जो पहली रात है उसे शबे ईद उल फितर कहा जाता है। आप और फिरकों अदियान के मुकाबले में अगर देखें तो मज़हब इमामिया फ़िरक़ इमामिया के अंदर एक बात मिलेगी कि हम लोगों के यहाँ हर खुशी हर गम का ताल्लुक कहीं से भी खुशनूदिये परवरदिगार और रज़ाए परवरदिगार से हट कर के नहीं। खुशी की तारीख होती है तो उसमें भी आमाल होते हैं और अगर मुहर्रम जैसा महीना हो तो उसमें भी आमाल हुआ करते हैं। हर महीने को अगर आप उठा करके देख लें तो हर महीनों में खुदावंद अल्लाह के रसूल ने आइम्मा धार अलैहिस्सलाम ने हम लोगों को आमालों की तलकीन की है कि इस महीने में ये आमाल अंजाम दो, इन तारीखों में ये आमाल अंजाम दो। मसलन 15 शाबान मुअज़्ज़म है तो तुम इन आमालों को अंजाम देना, जबकि वो तारीख बहुत बड़ी तारीख है खुशी की, विलादत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तारीख। कहने का मतलब और कहने का मकसद ये है कि इस फिरके के अंदर कोई भी खुशी का मौका हो, कितनी भी बड़ी ईद हो, हर ईद में अल्लाह के रसूल ने मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हम लोगों को आमाल बताए, चाहे वो ईद गदीर हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, ईद मुबाहला हो, हर ईद मनाना ज़रूर है लेकिन उस ईद के साथ साथ तुम्हें कुछ आमालों को भी बजा लाना और उन आमालों को बजा लाने के पीछे सवाब है, अजर है, जज़ा है, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये आमाल मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रखे इसलिए हैं ताकि हम लोग ऐसा ना हो कि खुशी में ख्वाहिशात नफ्स के ग़ुलाम बन जाएं और खुदावंद आलम को फरामोश कर बैठे। इसलिए कि इंसान की फितरत और नेचर में है कि जब इंसान खुशी बहुत ज़्यादा मिल जाती है या इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपने माबूद को फरामोश कर बैठता है, फिर उसकी निगाह में हलाल हलाल नहीं होता, हराम हराम नहीं होता, जायज़ जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ को खो बैठता है, ख़त्म कर देता है। आमाल इसीलिए रखे गए हैं ताकि इन आमालों को जब तुम अपनी निगाहों के सामने रखोगे और इसे बजा लाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें खुशी ज़रूर मनानी है लेकिन उसी हद तक मनानी है कि जिसके अंदर रज़ाए परवरदिगार शामिल हाल रहे
ऐसा ना हो कि खुशी में इतना आगे बढ़ जाओ कि नाराजगी परवरदिगार का सबब बन जाए। उसी तरीके से शब ईद उल फित्र है। शब ईद उल फित्र माह शव्वाल की पहली शब, रमजान उल मुबारक खत्म और माह शव्वाल की पहली शब। इस शब को लिए बहुत सारे आमाल बयान किए गए हैं और इस शब की खुद अपने आप में भी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई। इसके लिए मासूम ने जो फजीलत बयान की है उसमें एक रिवायत यहाँ तक है कि शब ईद उल फित्र के सिलसिले से जो रिवायत है उसमें एक रिवायत यह है कि शब ईद उल फित्र शब कद्र से कम नहीं है। अब आप सोचते हैं अभी शब कद्र गुजरी है और शब कद्र के लिए क्या है, खैरु मिन अल्फ शहर, ये एक रात 1000 महीनों से अफजल और बेहतर करार दी गई। मासूम क्या फरमा रहे, शब ईद उल फित्र जो है वो शब कद्र से कम नहीं है। इस रात में तुम्हें शब्बेदारी करनी चाहिए, इस रात में तुम्हें तौबा करना चाहिए, इस रात में इस्तगफार करना चाहिए, इस रात में अपने आप को मुमकिन हो सके तो मस्जिद में गुजारे। ये ताकीद किया है मासूमीन अलैहिस्सलाम कि इस शब को खाली ना जाने दो, इसकी फजीलतों को दर्क करो, इसके फजीलतों को हासिल करो, इससे फैजियाब हो और ये पूरी रात शब्बेदारी में गुजारो, दुआओं में गुजारो, मुनाजात में गुजारो, तस्बीहात में गुजारो, ताकि खुदाबंद आलम की बारगाह में खुदाबंद आलम की रजा और खुशनूदी का सबब और जरिया बन सके। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फजीलत को बयान किया है कि शब कद्र से कम इसकी अहमियत नहीं बताई गई। इस तारीख में तुम्हें करना क्या है, इसके लिए मासूम ये फरमाते ये हैं कि तुम्हें चाहिए कि गुस्ल करो गुरूब आफ्ताब के बाद। जब आफ्ताब गुरूब हो जाए तो तुम्हें चाहिए कि गुस्ल अंजाम दो, ये मुस्तहब भी करार दिया गया है। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि तुम ये पूरी रात तस्बीह में, मुनाजात में, दुआओं में, इस्तगफार में गुजारो और मुमकिन हो सके तो मस्जिद में क़याम करो, मस्जिद में मुमकिन हो सके तो शब्बेदारी अंजाम दो। उसके बाद मासूम फरमा रहे हैं कि नमाज मगरिब, नमाज ऐशा, नमाज सुबह और नमाज ईद के बाद इस तकबीर को बजा लिया, मुस्तहब करार दिया गया है। तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहि الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا। कब इसको बजा लाना है, शब ईद उल फित्र की नमाज मगरिब के बाद, नमाज ईशा के बाद, नमाज सुबह के बाद और रोज़े ईद उल फित्र नमाज ईद के बाद इस तकबीर को बजा लिया। और उसके बाद दूसरा अमल कि जब शब ईद उल फित्र में नमाज मगरिब तमाम हो जाए और नाफिले मगरिब पढ़ लो, फिर उसके बाद आसमान की तरफ अपने हाथ को बुलंद करो और खुदावंद आलम की बारगाह में इस दुआ को पढ़ो, इस दुआ को पेश करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या ज़ल मन्न व तौल, या ज़ल जूद, या मुस्तफ़ा मुहम्मदिन व नासिरहु, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वग़फिर ली कुल्ल ज़म्बिन अहसैतहु वहुवा इंदका फी किताबिन मुबीन। और उसके बाद फिर सजदे में जाए और सजदे में जाने के बाद 100 मरतबा अतूबो इलल्लाह पढ़े। जब ये चीज़ें बजा ला चुके तो इंसान को चाहिए कि अपनी हाजात को अल्लाह से तलब करे, अल्लाह से अपनी दुआओं को मांगे। इंशाअल्लाह ताला मासूम फरमा रहे हैं उसकी खुदावंद आलम सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक रिवायत में यह भी है कि जब इंसान सजदे से सर उठा ले उसके बाद फिर सजदे में जाए और सजदे में जाने के बाद इस दुआ को पढ़े, या ज़ल हौले, या ज़ल तौल, या मुस्तफ़ा मुहम्मद व नासिरहु, सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, वग़फिर ली कुल्ल ज़म्बिन अज़नबतहु व नसीतहु अना व हुवा इंदका फी किताबी मुबीन। और उसके बाद फिर सजदे में जाए और 100 मरतबा अतूबो इलल्लाह पढ़े।
ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। कब? शबे ईदुल फित्र और रोज़े ईदुल फित्र। उसके बाद 10 मरतबा उस दुआ को पढ़े कि जो शबे जुमा के लिए ताकीद की गई है। 10 मरतबा आमतौर पर इस दुआ को शबे जुमा में पढ़ा भी जाता है, बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। मासूम फरमाते हैं कि 10 मरतबा इस दुआ को पढ़ो, या दाइम अल-फज़ल अल-बरिया, या बासित अल-यदैन बिल-अतिया, या साहिब अल-मवाहिब सनिया, सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही खैरिल वरा सजिया, वग़फिर लना या ज़ल उला फी हाज़िहिल अशिया। इसको 10 मरतबा पढ़ना है। कब? शबे ईद उल फित्र में। मासूम फरमा रहे हैं इसको अगर इंसान पढ़ेगा तो खुदावंद आलम उसकी सारी दुआओं को कबूल करेगा। आप अगर एक बात गौर करें तो आपको एक बात समझ में आएगी। रमज़ान मुबारक यूं ही पूरी दुआ तौबा का महीना। रमज़ान मुबारक में एक एक आयत, एक एक तस्बीह पर खुदावंद आलम अजर अजीम अता फरमाता है। और उसके बाद जब महीने की शुरुआत हो रही है अगले महीने की, तो उसकी भी शुरुआत जो हो रही है तस्बीहात से हो रही है, बंदगी परवरदिगार से हो रही है, दुआओं के ज़रिए से हो रही है। ये क्यों हुआ? ताकि सिलसिला टूटने ना पाए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बारीकी भी है, और वो बारीकी ये है कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक में शैतान मुकैद होता है और रमज़ान मुबारक के बाद शैतान आज़ाद हो जाता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पहली ही शब रमज़ानुल मुबारक के बाद जो इबादत के लिए इन चीज़ों को, इन आमालों को बयान फरमाया, इसलिए बयान फरमाया है कि जो शैतान आज़ाद हो जाए, वो किसी के ऊपर गालिब हो या ना हो, लेकिन हमारे चाहने वालों के ऊपर वो गालिब ना होने पाए। वो गालिब क्यों नहीं होगा? चूँकि उसका सिलसिला बंदगी ख़त्म नहीं हो रहा है, सिलसिला दुआ ख़त्म नहीं हो रहा है, अपने मापूद से उसका रिश्ता टूट नहीं रहा। जो रमज़ान मुबारक में उसने सिलसिले को कायम किया था, वो शव्वालुल्मुअज़्ज़म की पहली तारीख में फिर से जुड़ा हुआ है, अभी उसका सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। यानी ये शैतान के हरबे से भी महफूज रहने के लिए ये अमल बहुत ही ज़्यादा कारगर है और कारआमद है कि हमारे ऊपर शैतान बाद रमज़ान मुबारक गालिब ना होने पाए, हम शैतान के शिकंजे में ना आने पाए, हम शैतान के फरेब में ना आने पाएँ, हम शैतान के धोखे में ना आने पाएँ। उसके बाद मासूम फरमा रहे हैं कि 2 रकत नमाज बजा ले आए, जिसमें पहली रकत में 1 मरतबा हम, और एक रिवायत में कि 1000 मरतबा, और एक रिवायत में है कि 100 मरतबा सूरह तौहीद को बजा ले आए, और दूसरी रकत में 1 मरतबा सूरह तौहीद को बजा ले आए, और उसके बाद सलाम पढ़े, सलाम के बाद सजदे में सर रखे, और फिर सजदे में सर रखने के बाद 100 मरतबा अतूबो इलल्लाह पढ़े। ये जो मैंने 2 रकत नमाज बताई, इस 2 रकत नमाज में 1 मरतबा सूरह अलहम और 100 मरतबा सूरह तौहीद, या फिर दूसरी रकत में नहीं 1 मरतबा सूरह अलहम और 100 मरतबा सूरह तौहीद, या दूसरी रिवायत में बयान किया गया है कि 1000 मरतबा सूरह तौहीद और दूसरी रकत में 1 मरतबा सूरह अलहम और 1 मरतबा सूरह तौहीद को बजा ले आना। अगर इंसान 100 मरतबा भी सूरह तौहीद पढ़ेगा तो जैसा कि रिवायत मैंने बताया है कि वो मुकम्मल है, वो काफ़ी। ये 2 रकत इंसान नमाज को बजा ले आए, और उसके बाद 100 मरतबा सजदे में जाने के बाद अतूबो इलल्लाह पढ़े, और उसके बाद फिर पढ़े या ज़लमन्ने वलजूद, या ज़लमन्ने वत्तौल, या मुस्तफ़ा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही, वफ़अल बी कज़ा कज़ा। यहाँ पर कज़ा कज़ा की जगह पर अपनी हाजात को तलब करें। जहाँ पर भी रिवायतों में, जहाँ पर भी दुआओं में लफ्ज़ कज़ा कज़ा आता है, तो वहाँ पर कज़ा कज़ा का मफहूम और मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप अपनी दुआएँ मांगें, अल्लाह से अपनी हाजात को तलब करें, जितना भी हो अपने लिए मांगें, अपने अहल-ओ-अयाल के लिए मांगें, मोमिनीन और मोमिनात के लिए मांगें, दुनिया में अमन और सुकून के लिए मांगें, मजलूमीन के लिए मांगें, ज़ालिमीन के निस्तो नाबूद होने के लिए मांगें, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें।
मासूम फरमारे मौला मुत्तकियान हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस अमल के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि उस खुदा के हक का वास्ता जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मौला ने इस अमल के बाद के लिए अपने हक का और अपने जान का वास्ता दिया है, अल्लाह की कुदरत का वास्ता दिया है कि जिसके कुदरत में अली बिन अबी तालिब की जान है। मौला फरमाए जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा, ये दो रकत नमाज पढ़ेगा, इस अमल को अंजाम देगा, जो भी हाजत अल्लाह से पेश करेगा, अल्लाह की बारगाह में रखेगा, खुदा वंदे आलम उसकी तमाम हाजतों को, तमाम दुआओं को कबूल करेगा और उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, चाहे वो सहरा की रेतों के बराबर क्यों ना हो, सहरा की रेत के बराबर क्यों ना हो। अजीजाने ग्रामी, जो सहरा होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर जो रेत होती है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो रेत कितनी है। और मौला मेरा नौ फरमा रहे हैं कि इसका पूरा गुनाह बख्श दिया जाएगा। अगर आप वही अभी मैंने जो बात बोली कि रमज़ान मुबारक का खत और शव्वाल की इब्तिदा और उसके बाद इस अमल का अंजाम देना और उस अमल की तासीर और असर ये है कि रेत के बराबर गुनाह बख्श दिया जाएगा, तो अजीजाने गरामी सोचने वाली बात है, इस अमल को अंजाम देने वाला अल्लाह की निगाह में वो बंदा कितना महबूब होगा। क्यों महबूब होगा? इसलिए कि गुनाह तो वो रमज़ान मुबारक में बख्शवा चुका, मगफिरत करवा चुका, अब तो उसके अमान में सिर्फ और सिर्फ हसनात हैं। उसके बाद मौला फिर भी फरमा रहा, अगर फिर भी गुनाह बख्श गया है, तुमने अपने गुनाहों को नहीं बख्शवा पाए हो, कुछ तुम्हारे गुनाह रह गए हैं, कसीर गुनाह रह गए हैं, इतना जैसे रेगिस्तान में सहरा में रेत हैं, वो भी तुम्हारे गुनाह इस छोटे से अमल से बख्श दिए जाएंगे। यानी इंसान एकदम पाक व पाकीज़ा हो जाए, इंसान के नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। अज़ीज़ाने गरामी, उसके अलावा एक और दुआ है जिसे शेख अब्बास क़ुमी ने मफातिहुल जनान में लिखा है कि बाद आमाल उस दुआ को बजा ले आए। बहुत बड़ी दुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो सफ़े डेढ़ सफ़े की दुआ है। उस दुआ को पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि खुदा बंदे आलम अमल करने वालों की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी भी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। हम आप सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं शब ईद उल फितर के वास्ते से, रमज़ान मुबारक के वास्ते से, अहले बैत के वास्ते से कि मेरे महबूब हम सब की तमाम दुनियावी उखरवी हाजतों को शर्फ कबूलियत अता फरमा, मेरे महबूब हम सब के रिस्क और रोज़ी में इजाफा फरमा, मेरे महबूब हम सब की तमाम तरह के रंज गम दुख दर्द को दूर फरमा, हम सब के तमाम तरह की परेशानियों को दूर फरमा, कायनात के जितने मजलूमीन हैं मेरे महबूब उनकी हिमायत और नुसरत फरमा, कायनात में जितने भी जालिमीन जिस किस्म के भी उन सबको निस्तो नाबूद फरमा, मेरे महबूब हम सब के तमाम अमाल को कबूल फरमा, तमाम महरूमीन के तमाम अमाल को कबूल फरमा, हम सब के तमाम गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा, गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, तमाम महरूमीन के दर्जात को बुलंदी अदा फरमा, जितने बीमार हैं उन सब को शिफाए कुल्ली और सेहत कामिला अता फरमा, इस वबाई मर्ज में जो लोग मुब्तला हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, तमाम मौला के चाहने वालों को इस वबाई मर्ज से महफूज रख, मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम लोगों के अमल से वक्त इमाम को राज़ी और खुशनूद फरमा, इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम बिहक़ मुहम्मदिन व आलिही ताहिरीन।